आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में किसी भी कंपनी का आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेल का है या एनवीडिया का है या एएमडी रेडियन का है, किसी भी कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, आप उस कंपनी का जो लेटेस्ट अपडेटेड जो ड्राइवर है रिसेंटली जो आया हुआ है, आप उस ड्राइवर को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैंने उस ड्राइवर को आप अपडेट कैसे करेंगे, और इसे अपडेट करने के बाद जो आपका गेमिंग से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको किसी तरह का आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा या किसी तरह का आपको बफर देखने को नहीं मिलेगा। आपको करना है क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में आ जाना है। विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद आपको यहां पे कंट्रोल पैनल आपको यहां पे टाइप करके सर्च करना है, और आप यहां पे देखोगे यहां पे कंट्रोल पैनल आपको यहां पे शो हो रहा होगा, तो आपको अपना कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की और आपको यहाँ पे व्यू बैक कैटेगरी का वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है, और आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आपके सामने शो होगा, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिस्प्ले अडेप्टर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको इस पर क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, अब आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और आपको यहाँ पे इस पहले वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका जो ड्राइवर है आपका जिस भी कंपनी का ड्राइवर है जिस भी मॉडल का ड्राइवर है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, ऑलरेडी अपडेटेड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करना है। इस प्रोसेस को अप्लाई करने से क्या होगा कि आपका जिस भी कंपनी का आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है इंटेल का है या एएमडी का है या रेडियन का है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट होगा और यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा जो आपका उस जो अपडेटेड ड्राइवर होगा। तो जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ और मान के चलिए कि आपका जो ये ड्राइवर है ये जो ग्राफिक्स का ड्राइवर है ये अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप कैसे चेक करोगे, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप इसी ड्राइवर पे आप राइट क्लिक करोगे और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ड्राइवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ड्राइवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ड्राइवर डेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर अपडेट हुआ था ये इस डेट को यहाँ पे अपडेट हुआ था, तो यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो अप टू डेट नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर बाय द वे आपका भी अपडेट नहीं हुआ है तो आपको अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे अब मैनुअली तरीके को आपको परफॉर्म करना है। जैसे मैं इसे कैंसिल करता हूँ और मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, अब मैं आपको मैनुअली तरीके में आपको बताता हूँ कि मैनुअल तरीके से आप अपने ड्राइवर को अपडेट कैसे करोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इंटेल का आपको ऑफिशियल ग्राफिक्स कार्ड का आपको वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप यहाँ से अपने इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड को आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एएमडी का आपका ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे AMD का आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, और मैं इस वेबसाइट का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप वहां से जाकर आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। और अगर आपका AMD का आप ग्राफिक्स कार्ड है तो आप यहां से AMD का ग्राफिक्स कार्ड को आप यहां से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको NVIDIA का भी आपको यहाँ पे वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जिस भी कंपनी का आपका ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे जिस भी मॉडल का आपका ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA का, तो RTX है, GTX है, GeForce है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सर्च करोगे तो उस मॉडल का NVIDIA का उस मॉडल का ग्राफिक्स कार्ड का आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके आप सिंपली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से बता दिया हूँ, एक ऑटोमेटिकली वे से बता दिया हूँ और यहाँ पे मैनुअली तरीके से भी बता दिया हूँ। आपको इनमें से जो तरीका आपको सही लगता है आप इन दोनों में से किसी भी तरीके को आजमा कर आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को अपडेट कर सकते हो, और अपडेट होने के बाद और आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है आपका वो पहले के मुकाबले आपको अच्छा देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा अपडेट होने के बाद। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा
जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।